हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के थर्ड टाइप यानी डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स के बारे में बाकी के दो डॉक्यूमेंट्स यानी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स और लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब बात करें डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स के बारे में तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करने के लिए चाहिए होते हैं जैसे शिपिंग बिल ए फॉर्म्स कमर्शियल इन्वॉइस बिलो फ्लेडिंग एक्सेट्रा तो चलिए पढ़ते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग गुड्स अंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड आउट बाई द एक्सपोर्टर समी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज एंड एंडस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स आर पहला प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ फेगन्स द रेलवेज इन इंडिया अलॉट वेगन टू एक्सपोर्ट कंसाइमेंट मूविंग टू एक्सपोर्ट फॉर शिपमेंट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस फॉर दिस परपज दी एक्सपोर्टर हैज टू फाइल फॉर्वर्डिंग नोट जो कि एक रेलवे डॉक्यूमेंट होता है वेगन रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट एंड शिपिंग ऑर्डर विच इज़ इश्यूड बाई दी शिपिंग कंपनी ऑन रिजर्वेशन ऑफ स्पेस ऑन द शिप एक्सपोर्ट गुड्स को फैसिलिटीज और इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्टर के थ्रू कई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज और इंसेंटिव और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं पहला प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ वैगन इंडियन रेलवे वैगन्स अलॉट करता है एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को पोर्ट तक ले जाने के लिए शिपमेंट पर्पज से प्रायोरिटी बेसिस पर इस परपज़ के लिए एक्सपोर्टर को एक फॉरवर्डिंग नोट जो कि एक रेलवे डॉक्यूमेंट होता है वेगन रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट और शिपिंग ऑर्डर फाइल करना होता है जो शिपिंग कंपनी द्वारा इशू किया जाता है शिप पर स्पेस रिजर्वेशन करने के बाद नेक्स्ट रिबेट इन सेंट्रल एक्साइज मेन डॉक्यूमेंट्स आर इन्वॉइस एंड ए आ रई फॉर्म्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्लेम करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो है इन और ए आर फॉर्म नेक्स्ट ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर क्लेमिंग दिस इंसेंटिव द मेन डॉक्यूमेंट इज द कस्टम्स अटेस्टेड ड्रॉबैक कॉपी ऑफ शिपिंग बिल दिस इज यूजअली टू बी सपोर्टेड बाई ड्रॉबैक पेमेंट ऑर्डर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाई द कस्टम्स अथॉरिटीज़ अ कापी ऑफ द फाइनल कमर्शियल इन्वॉइस एंड अ कापी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग या बिल इस इंसेंटिव को क्लेम करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है शिपिंग बिल की कस्टम्स के थ्रू अटेस्टेड कॉपी। यूजुअली इसके साथ ड्रॉबैक पेमेंट ऑर्डर जो कि कस्टम्स अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है कमर्शियल इन्वॉइस की एक कॉपी और ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल की कॉपी सपोर्टिंग में लगाई जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू